सरकार की ओर से तकनीक के दौर के साथ ही खाकी के बेड़े में अब हाईटेक संसाधन को बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत अब जयपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में हाईटेक संसाधन से लैस 70 पीसीआर वैन्स दी जाएगी। पुलिस लाइन में इस पीसीआर वैन को तैयार कराया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि बदलती हुई तकनीक के साथ ही इस पीसीआर वैन के कलर को भी चेंज किया गया है। वैन के चारों ओर रेडिएशन में पुलिस लोगो स्टिकर लगा हुआ है, जिससे कि अंधेरे में पीसीआर वैन दूर से ही नजर आ जाए। पीसीआर वैन की खास बात यह है कि इसमें लगे कैमरे एमडीटी और एलसीडी और जयपुर पुलिस के कंट्रोल रूम और साथ ही में अभय कमांड सेंटर से इसे जोड़ा गया है। माना यह भी जा रहा है कि अगले महीने सभी 70 पीसीआर बुलेरो वैन्स को कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव लॉन्च करने वाले हैं, जिन्हें सभी थानों को मुहैया कराया जाएगा। नई तकनीक से लैस इस पीसीआर वैन का खास जायजा लिया हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। बदलते तकनीक के दौर में अब राजधानी जयपुर शहर के तमाम थानों में लगी पीसीआर वैनों को भी बदला गया है और उसी की तर्ज पर अब नई पीसीआर वैन है अब सभी थानों को मुहैया कराई जाएगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि थानों को जो पीसीआर वैन मुहैया कराई जाएगी उसका ये पहला मॉडल है, डेमो के रूप में जयपुर कमिश्नरेट में आया है। पहली बार ब्लू कलर की ये पूरी पीसीआर वैन है और इस पर स्टिकर लगाए गए हैं ब्लू कलर के और स्काई कलर के। साथ में पुलिस का जो स्टिकर है जो रेडिएशन का यहाँ पर काम करेगा, बेसिकली अगर दूर से कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो सिर्फ ये जो पुलिस लिखा आएगा वो कहीं ना कहीं उसको नज़र में आ जाएगा कि पुलिस की गाड़ी या पीसीआर की वैन है जो आई हुई है। पूरी गाड़ी को फिलहाल तैयार करा दिया गया। इसके अलावा जो सायरन है और आप ऊपर लाइटें देख रहे होंगे, तमाम लाइटों को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, ऊपर लगाया गया है, हर किसी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर इस पीसीआर वैन के अंदर देखा जाए तो वायरलेस का सिस्टम भी है। मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको कि किस तरह वायरलेस का सिस्टम है और कहाँ है। आप देखेंगे कि आप एक बार बताएंगे कहाँ क्या वायरलेस का सिस्टम है, कैसे काम करता है, पूरा आप बताएंगे आप किस तरह काम करता है, क्या है इसमें? ये वायरलेस कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ होता है और जो भी मैसेज इस पर मिलता है ड्राइवर को, जो इसको ऑपरेट करता है उसको जो मैसेज मिलता है उसके अनुसार ये मूव करता है वाहन। और क्या क्या सिस्टम है इस पूरी पीसीआर वैन के अंदर? आप इसमें एक बार लाइट लगाई गई है ऊपर, एक एमडीटी सिस्टम लगाया गया है जो कि कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है और कोई भी वारदात होने पर ये लोकेशन इसमें आती है, मैप के अनुसार वाहन को वहाँ पहुँचना होता है। और एक कैमरा जो लगाया है, कैमरे की एलसीडी पीछे की साइड में लगी हुई है तो वो कैमरा रिकॉर्डिंग करता है, कोई भी पंगा हो जाए, धरना, जुलूस, कहीं भी बलवा वगैरह होता है तो उसमें कैमरा रिकॉर्डिंग करता है तो उसमें अपन देख सकते हैं बाद में। जनाब जी, आपके निर्देशन में पूरी जो पीसीआर वैन है वो बनाई जा रही है पूरी, और इसमें और क्या क्या ऐसी टेक्निक्स है जिनको डेवलप किया गया है ताकि जब भी पीसीआर वैन तमाम थानों को दी जाएगी उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का? थानों को फ़ायदा इसी चीज़ का मिलेगा कि जल्दी से जल्दी लोकेशन अपने एमडीटी से मिलता है तो तुरंत प्रभाव से ये गाड़ी सबसे पहले वहाँ पहुँच जाए। थाने की मोबाइल से पहले पीसीआर को पहुँचना होता है, कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ होता है, कंट्रोल रूम से जो भी मैसेज मिलता है वो तुरंत प्रभाव से कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में ये गाड़ी वहाँ पहुँचे। कैमरे भी लगेंगे क्या इस गाड़ी? बिल्कुल, एक कैमरा लगेगा जो अभी इसकी छत के ऊपर लगेगा और उसकी एलसीडी लग चुकी है, कैमरा लगना भी बाकी है, अभी प्रोसेस में है, काम चल रहा है अभी। तो बिल्कुल ये एमडीटी आप देख रहे होंगे, इस एमडीटी को यहाँ पर लगाया गया, कंट्रोल रूम से पूरा ये एमडीटी को जोड़ा गया है, जो भी लोकेशन दी जाएगी वो इस एमडीटी पे आएगी और उसके अनुसार यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर पीसीआर वैन के अंदर जो पुलिसकर्मी है वो बैठे हुए हैं वो उस लोकेशन के अनुसार जाएंगे। इसके अलावा एक एलईडी सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। इस एलईडी सिस्टम इसलिए लगाया गया क्योंकि जो लाइटें आप देख रहे हैं ब्लू कलर की और रेड कलर की, इनके बीच में यहाँ पर एक कैमरा लगाया जाएगा। इन कैमरे के जरिए जो लोकेशन जो आएगी जब पीसीआर वैन चलेगी या सड़कों पर दौड़ेगी या जिस लोकेशन पर उसको जाना होगा वो सारी तस्वीरें इस एलईडी के अंदर कैद हो जाएंगी। उस एलईडी को भी आप देखेंगे कि वो एलईडी किस टाइप की है और कहाँ लगी रहेगी। कैमरामैन को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाए। ये सामने एक एलईडी है, इस एलईडी को देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी बैठे रहेंगे और उस जो लोकेशन है जहाँ जहाँ ये पीसीआर वैन जाती जाएगी जो कैमरे से जो तस्वीरें कैप्चर होंगी वो इस एलईडी के अंदर आएगी और इस एलईडी के जरिए ही पुलिस है जो लगातार हर बदमाशों पर यहाँ पर संपर्क करेगी, उनका पता लगाएगी। इसके अलावा खास बात ये भी है कि अब तक लगातार पुलिस पर भी बड़े सवाल उठते आ रहे थे कि लगातार जो पीसीआर वैन जो दौड़ती है उनका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है या उनको गलत कामों में लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो खाकी पर जो मॉनिटरिंग है
वो भी इस PCR के वैन के जरिए जो उनके जो लगे कैमरे हैं उनके जरिए यहाँ पर उन पर भी मॉनिटरिंग होगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए जो नई टेक्निक से जुड़ी जो ये PCR वैन है जल्द ही थानों को दी जाएगी और जल्द ही जयपुर कमिश्नरेट को ये तमाम PCR वैन को यहाँ पर लॉन्च करते हुए उनको तमाम थानों को मुहैया कराया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो नई टेक्निकल जो तकनीक से परिपूर्ण ये जो वैन है ये PCR जो वैन है इसको ला करके कहीं ना कहीं एक अच्छा जो काम है वो सरकार लगातार कर रही है और लगातार जो है पुलिस के बेड़े के अंदर बात कही जाती है कि आधुनिक संसाधन मुहैया कराया जाए तो उसी का एक PCR एक वैन एक नतीजा है जिसको यहाँ पर जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है वो जल्द ही लॉन्च करेंगे। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादव शर्मा A1 TV न्यूज़ जयपुर।